भवन निर्माण अन्य सन निर्माण अखिल भारतीय मजदूर संघ के द्वारा विद्युत वितरण कंपनी और ठेकेदार लाइनमैन की लापरवाही के कारण शुक्रवार को बिल्किसगंज रोड स्थित निर्माणाधीन फोर लेन रोड पर बिजली के खंभे पर बिजली का कार्य करते हुए मजदूर के साथ हुई दर्दनाक घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। दुर्घटना के शिकार हुए मियांखेड़ी नटेरन जिला विदिशा निवासी मजदूर रूपेश जाटव पिता हुकुम सिंह जाटव उम्र 26 साल के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने सहित बिजली कार्य ठेकेदार अंकुर बघेल और ब्रजेश धाकड़ सहित लाइनमैन अर्जुन लोधी पर धारा 300 के तहत मामला दर्ज करने की मांग भवन निर्माण एवं सन निर्माण अखिल भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष भोलाराम जाटव और जिला महामंत्री देवीराम जाटव मजदूर नेता विनीत दुबे एवं अनूप चौधरी के द्वारा की गई है। अखिल भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष भोलाराम जाटव और जिला महामंत्री देवीराम जाटव के द्वारा मियांखेड़ी नटेरन से पहुंचे मृतक मजदूर के परिजनों को पूरी मदद दी गई। मृतक मजदूर रुपेश जाटव का शनिवार सुबह पोस्टमार्टम किया जाकर सब परिजनों को सौंपा जाएगा। इस मामले में कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा गोलू जाटव पिता हुकुम सिंह जाटव की सूचना पर मर्ग कायम किया गया है। फिलहाल इस मामले में कोतवाली पुलिस के द्वारा जाँच की जा रही है। मेरे भाई हैं रुपेश जाटव नाम है। उनके कितने बच्चे हैं? कितने? नहीं शादी नहीं हुई सर। शादी नहीं हुई। कितनी उम्र थी उनकी? 25 साल। 25 साल। उस ठेकेदार के लिए जो अभी इसके पास काम कर रहे थे, कब से काम कर रहे थे ये? मान लो सर ये एक साल से। सर हमें वो कुछ सहायता मिल जाए और क्या? इंसाफ भी मिलना चाहिए। क्या नाम? इंसाफ मिलना चाहिए। पिताजी का क्या नाम है? हुकम सिंह जाटव। और इसमें हमारी मांग है कि इनको 1 करोड़ रुपए दिया जाए, एक सरकारी नौकरी हो, और जो दोषी हैं जैसे बिजली विभाग और जो ठेकेदार हैं इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 302 की धारा ही लगनी चाहिए इन पर। प्रशासन तो अपने समय पे टाइम से चिंतित था और वो जो भी उनसे जो उन हेल्प की उम्मीद थी, जो हेल्प करना था वो उन्होंने करा। लेकिन सर सबसे पहले मैं इसमें दोषी मानता हूँ उस ठेकेदार को, जिसके नेतृत्व में या जिसकी टीम में वो बंदा कार्य करता था, मजदूरी करता था। चूँकि हमने देखा है, देखा गया उसका, उसके पास में कोई भी सुरक्षा के साधन नहीं थे। और ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं प्रशासन भी हमारी उसमें जिम्मेदार है कि जब उसके पास कोई भी सुरक्षा के साधन नहीं थे तो उस चीज़ को नज़रअंदाज क्यों किया गया? मैं उस वक्त घटना स्थल पर पहुंचा था जैसे ही सूचना मिली, और मैं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की घोर निंदा करता हूं। नैतिकता भी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने खो दी है। मौके पर एक भी अधिकारी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल सीओर का नहीं पहुंचा, यह अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने मानवता खो दी है। मैंने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव से मांग की है कि घटना में जो शहीद हो गया हमारा मजदूर साथी, उसके लिए 1 करोड़ रुपये शासन सहायता दे।